हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एक्स इनटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, वेयर ए बी सी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस इज फोर। ऑप्शंस आर गिवन, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो पहले हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज डी एस अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा पास बी स्क्वायर एंड प्लस आएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। दैट इज फाइनली आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, दैट इज माइनस माइनस प्लस का टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, डी एस अपॉन डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए सी अपॉन बी के इक्वल आ जाएगी। नाउ दिस इंप्लाई जो हमारा डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर है एट एक्स इज इक्वल टू सी ए अपॉन बी पर, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दिस इंप्लाइज इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगा हमें, मिनिमम मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू सी ए अपॉन बी एंड प्लस का आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर अपॉन में सी ए अपॉन बी। तो फाइनली आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी, दैट इज टू ए बी सी के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।